दसवें दिन भी इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच आईडीएफ ने कहा कि आतंकवादी समूह हमास युद्ध के लिए किस हद तक जाने को तैयार है, ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। इजरायली रक्षा बल ने ये दिखाने के लिए सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर साझा की है, जिसमें दिखाया गया है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमलों से पहले और बाद में इजरायल कैसा दिखता था। एक्स पर आईडीएफ ने लिखा, हमास युद्ध करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है, ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। एक अन्य पोस्ट में इजरायली रक्षा बल ने हमास द्वारा इजरायलियों को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ जब्त हथियारों को भी दिखाया है। बता दें कि 15 अक्टूबर को लेबनान सीमा के पास इजरायली कस्बों और सैन्य चौकियों की ओर 6 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दागी गईं। द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने जवाबी कार्रवाई के रूप में लेबनान में हिजबुल्ला के सैन्य बुनियादी ढांचों पर हमला किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास से बंधकों को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा करने का आह्वान किया है।